क्या मोबाइल फोन को अपडेट करना जरूरी है? एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर क्या एक स्मार्टफोन को हमेशा अपडेट करना चाहिए, जब भी हमारे फोन पर अपडेट आए तो उसे अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं बोल क्या गजब क्वेश्चन की बंदे ने। तो मैंने सोचा कि क्यों इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्मार्टफोन को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, और अगर हम अपने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं करेंगे, नहीं रखते, तो क्या कुछ दिक्कत आ सकती है हमारे स्मार्टफोन पर। आखिर कंपनी वाले क्यों हर महीने हमें अपडेट देते रहती है, उस अपडेट में होता क्या है, क्या जरूरी है कि कंपनी वाले हर महीने हमें अपडेट देती है उसे अपडेट करना। और आप भी एक स्मार्टफोन यूजर है तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जिस पॉइंट की बात करने वाला हूं, जो चीज आपको बताने वाला हूं, आपको 100% पता होनी चाहिए। और मैं लास्ट टाइम यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को जानेंगे तो लास्ट टाइम आप यही कहेंगे वाओ ये चीज हमें पहले क्यों पता नहीं थी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सामने दिखने को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, सामान्यतः अगर हम देखें तो हमेशा हम अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो सुनिए। आज के समय पर इतने सारे हैकिंग अटैक होते हैं, वायरस अटैक होते हैं, मालवेयर अटैक होते हैं। अब इन सब से आपको बचाएगा कौन? आप तो कंप्यूटर चलाते नहीं हैं, ये तो हमारा स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन पर हम तो एंटीवायरस नहीं चला सकते, और जितने भी एंटीवायरस की एप्लीकेशन आती है वो सब साली फेक होती है। तो यहाँ पर हमें मालवेयर अटैक से, वायरस अटैक से, हैकिंग अटैक से बचाएगा कौन? तो बचाएगा हमें अपडेट। अगर हमारा स्मार्टफोन अपडेटेड है, लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट है हमारे स्मार्टफोन, तो यहाँ पर होता कि आपने देखा होगा, आप अभी अपने फ़ोन की सेटिंग पर जाइए, वहाँ पर अबाउट फोन पर जाइए, और वहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी सिक्योरिटी पैच लेवल। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल हर एक स्मार्टफोन पर मिलती है, और जब भी आपका स्मार्टफोन अपडेट होता है, जब भी आपके स्मार्टफोन पर एक नया अपडेट आता है, तो ये जो सिक्योरिटी पैच लेवल है ये बिल्कुल नया वाला हमें मिल जाता है, नया सिक्योरिटी पैच लेवल हमें देखने को मिलता है। आप अपने फोन पर अभी भी चेक कर सकते हैं। तो फोन को अपडेट करने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपका सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट हो जाएगा। दूसरा, जो भी आपके फोन पर दिक्कत आ रही थी, जो भी बग वगैरह थे, जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी, वो सब जो फिक्स हो जाते हैं अपडेट की माध्यम से। तीसरा फायदा यह है कि अगर आप अपने फोन को हमेशा अपडेट करते रहते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, कोई भी बड़ा चेंजेस आता है, जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9.0 पर चल रहा है, तो एक अपडेट के माध्यम से आपके स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड 10 आ सकता है, यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब आपका फोन लेटेस्ट जनरेशन पर जो है वर्क करेगा, लेटेस्ट जनरेशन पर जो है काम करेगा। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि अपडेट करने से हमारा फोन जो है स्लो हो जाता है, हम अपडेट नहीं करेंगे। या फिर कई लोग पूछते हैं कि क्या मोबाइल फोन को अपडेट करने से मोबाइल फोन स्लो हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं एक नज़र से देखें तो सही भी है। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि आखिर एक्चुअल बात क्या है। तो देखिए, कोई भी स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं तो उसके एक समय सीमा होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्मार्टफोन को हम परमानेंट यूज़ करते रहें पूरे लाइफ टाइम और सेम टू सेम स्पीड देती रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर स्मार्टफोन में रैम लगी रहती है, प्रोसेसर लगी रहती है, सबकी एक टाइम लिमिट रहती है, जिसके बाद फोन ऑटोमेटिकली जो स्लो हो जाती है। इस पर अपडेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ अपडेट ऐसी आती है जहाँ पर हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है। आपने कंप्यूटर भी फेस किया होगा, अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हैं तो अपडेट आने के बाद हमारा विंडोज 10 काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। अगर आप होता है, आपने भी इस चीज़ को फेस किया है, तो आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। कंप्यूटर पर जैसे अगर हम अपडेट करते हैं विंडोज 10 को, तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की वजह से स्लो नहीं हुआ है, वो प्रोसेस जो लेता है उसकी वजह से स्लो होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद जो है फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ आपने देखा होगा, केयर किए होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमेशा अपने स्मार्टफोन को अपडेट करना चाहिए, अपडेट से हमारा फ़ोन बिल्कुल भी स्लो नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कि आखिर स्लो कब होता है, स्मार्टफोन को अपडेट करने के बाद स्लो कब होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जब आप अपने स्मार्टफोन को 2-3 साल इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जब आपके स्मार्टफोन पर अपडेट आती है, कोई बड़ा अपडेट आती है, उसके बाद आपके स्मार्टफोन स्लो हो जाता है। और मुझे नहीं पता कि कंपनी जानबूझ के स्लो करना चाहती है फिर स्लो करती है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी वाले ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसका नया फ़ोन को खरीदेगा कौन? अगर मान के चलिए आपके पास कोई से भी एक स्मार्टफोन है, जैसे कि मेरे सामने अभी रिकॉर्ड हो रहा है Realme 7X, ठीक है, Realme X7 फ़ोन है। अब अगर इस फ़ोन काफ़ी अच्छा चलता रहेगा, मतलब ये इस फ़ोन पर अपडेट आते रहेगी और काफ़ी अच्छा ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्या मैं कोई दूसरा फ़ोन लूँगा? बिल्कुल नहीं। तो जब तक ये फ़ोन हैंग नहीं होगा, ये फ़ोन स्लो नहीं चलेगा, तब तक मैं यह फ़ोन तो नहीं लूँगा। तो इसलिए शायद कंपनी वाले ऐसा गेम करते होंगे कि
स्मार्टफोन पर अपडेट के जरिए कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे फ़ोन स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है, उसके बाद हमें उस फ़ोन को चलाने का मन नहीं करता, जिसके बाद हम एक नया फ़ोन की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जब भी आपके फ़ोन पर अपडेट आता है तो हमेशा आपको अपडेट करनी चाहिए, अपने फ़ोन को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखनी चाहिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना था कि अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। आप समझ गए होंगे कि अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट से क्या कुछ बेनिफिट मिलती है और अपने स्मार्टफोन को अपडेट करना चाहिए फिर नहीं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबाइए, जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूँ, जाकर फॉलो करो उस पर।